हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक मशीन के साथ दूसरी मशीन फ्री मिलने वाली है। ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जानते हैं उस बिजनेस के बारे में और उस स्कीम के बारे में, उस ऑफर के बारे में, क्या ऑफर मिलने वाला है। दोस्तों आज मैं आया हूँ। स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन में रांची के अंदर यहां पर पूरी जानकारी लेते हैं। मैंने सुना यहां पर मशीनों के साथ स्कीम चल रही है और बहुत जबरदस्त स्कीम चल रही है, जिससे आप एक दो बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक बिजनेस के पैसे में आप दो बिजनेस एक साथ शुरू कर सकते हो। उसके लिए पूरी जानकारी लेते हैं और चलिए यहां पर बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पर जिस तरीके से बिजनेस को शुरू करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपको एक मशीन के रेट में दो मशीनें मिलने वाली है और उनसे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मतलब दिन के 5,000 से 7,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। दोस्तों ये दोनों बिजनेस एक ऐसे बिजनेस है जो आपस में रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छा फायदा उससे मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे पूरी जानकारी लेते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, कौन सी मशीन फ्री दी जा रही है, क्या है, सारी बातें आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर पेपर बैग, ग्रोसरी बैग मेकिंग मशीन, मास्क मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट, कप मेकिंग मशीन, स्लीपर, चप्पल मेकिंग मशीन, नूडल्स, अगरबत्ती, कपूर, पानीपुरी, कॉटन, स्क्रबर, नॉन वुवन, हर तरीके का, मतलब ये देखिए इतने सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारे बिजनेस आपको, सारी मशीनें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं और पूरी जानकारी यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑफर चल रहा है, क्या ऑफर है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ पे जब आप आते हो तो प्रॉपर यहाँ पे डील करने के लिए बंदे हैं। यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे पूरी जानकारी लेते हैं। हेलो सर, कैसे सर? सर स्वागत आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते सर, मैंने सुना है कि आपके यहाँ ऑफर चल रहा है बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कि एक मशीन के साथ आप एक मशीन फ्री दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि मैं एक मशीन के साथ दूसरी मशीन बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। मतलब क्या है, लोग एक मशीन का पैसा देंगे और उनके साथ उसको दो मशीनें मिलेगी। हाँ, एक मशीन अगर कोई परचेज करते हैं हमारे पास तो दूसरी मशीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलने वाली है। अच्छा, बिल्कुल फ्री मिलने वाली। हाँ। है, मतलब दोस्तों आप एक बिजनेस शुरू करोगे और उसमें आपके दो बिजनेस शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सर इससे मतलब बंदा दो बिजनेस अगर एक साथ शुरू कर लेता है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो बिल्कुल। अब बिल्कुल आराम से 5,000 से 7,000 रुपए बड़े आराम से वो दिन का कमा सकता है। जी जी, ठीक है। तो सर एक बार उस प्रोडक्ट के बारे में, वो मशीन के बारे में बताइए, मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। ठीक है सर, आइए आइए सर, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा वेयर हाउस हुआ। हर तरीके की मशीन देखने को मिलेगी, आप किसी भी तरीके की मशीन चाहते हो वो आपको यहाँ बड़े आराम से मिल जाएगी। तो सर वो क्या ये इस साइड कौन सा वो ऑफर आप बताइए हमें। आप देख पा रहे हैं कि ये पेपर कप की मशीन है। अच्छा, ये पेपर कप। हाँ जी, ये जो है ऑल साइज में आप कप हो गया, ये ग्लास हो गई, 250-300 ml जो भी आप बनाना चाहेंगे एक मशीन में ये बन जाएगा। मतलब ये हर साइज का ग्लास एक ही मशीन से बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, एक ही मशीन में जो है हर साइज का जो है आपका ग्लास हो गया, कप हो गया, ये बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके साथ जो ऑफर है वो क्या ऑफर है सर? ये तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक मशीन के साथ एक मशीन में फ्री दे रहा हूं। ठीक है, तो ये पेपर कप की मशीन है। ठीक तो है, दूसरी मशीन जो मैं फ्री दूंगा बिल्कुल इस मशीन से रिलेटेड दूंगा। ठीक है,
तो इस मशीन पेपर कप के साथ मैं पेपर प्लेट मशीन बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ आप पेपर प्लेट फ्री मशीन? जी बिल्कुल। आपने तो अगर आप पेपर कप की मशीन लगाते हो तो आपको पता है इसकी मार्केट और पेपर प्लेट की मार्केट दोनों की सेम मार्केट है जी। वो कोई भी अगर बिजनेस करता है, जिस भी दुकानों पे सेल करने जाएगा, जहां ये बिकेगा वहां वो भी बिकेगा। तो दोस्तों इससे आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला है, एक मशीन में आपको दो मशीनें मिल रही है, तो इससे अच्छा बेनिफिट क्या होगा सर? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, मैं पहले इस मशीन के बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर, कैसी मशीन है ये, कैसे काम करती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पेपर कप की मशीन है, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक जी। ठीक है, इस मशीन में जो है आप सबसे छोटी कप जो होती है 40 ml की कप होती है। अच्छा, ये आपका जो है 60 का है, छोटा इससे होगा, 40 से लेके आप 300-250 ऑल टाइप के आप ग्लास और कप एक ही मशीन में बना। हाँ जी, वो भी आराम से बना सकते जी, बिल्कुल एक ही मशीन में आपका बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैं मशीन आपको इस साइड से दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये मशीन जो है हमारा, ये देखिए दोस्तों, मतलब पूरे प्रॉपर आपको खोल के दिखा दी गई है कि किस तरीके से ये मशीन काम करती है। जी बिल्कुल, ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पेपर कप की मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है सर। इसमें जो है इस तरह से कोई आपको नहीं दिखाएगा, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि मशीन में जो है सबसे पहले तो ऑटो लुब्रिकेंट का टैंक लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, लुब्रिकेंट का जो ऑयल डलता है जी। ठीक है, ये लुब्रिकेंट डाला हुआ है टैंक। पहले आप ये बताइए कि इसमें जो हम रॉ मटेरियल लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, कैसे काम करती है वो? जी जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि ये बॉटम रोल है, ये जो ग्लास और कप जो बनती है। अच्छा, तो इसका जो बॉटम में यूज होता है तो ये रोल होता है। अच्छा, ये बॉटम है इसका? हाँ, ये बॉटम रोल यूज होता है। ठीक है, दूसरा कप ग्लास बनाने के लिए जो पेपर का यूज किया जाता है, आप देख पा रहे हैं कि ये सब जो है पेपर, जिस भी साइज का, जिस भी टाइप का आप बनाना चाहते हैं, किसी भी टाइप का प्रिंट आपको मिल जाएगा पेपर के ऊपर। अच्छा, ये पेपर का? हाँ सर, क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे सोचते हैं जब मशीन लगाते हैं कि भाई हम अपने नाम से अपने डिजाइन का कप बनवाना चाहते हैं, तो उनकी उनका भी मटेरियल रेडी हो जाता है? बिल्कुल, ये जो है अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है किसी भी टाइप का, किसी भी आप नाम से कोई भी अपना खुद का ब्रांड अगर करवाना चाहते हैं तो वो आ जाएगा पेपर के ऊपर प्रिंटिंग के साथ। तो मतलब दोस्तों, अगर आपको अपना ब्रांड बनवाना है, आपको अपनी ब्रांड वैल्यू करनी है, तो आप अपने नाम के भी प्रिंट करवा सकते हैं। वो एक क्वांटिटी होती है मिनिमम, उस क्वांटिटी में आपके नाम का भी तैयार कर दिया जाएगा। सर, किसी को अपने नाम से नहीं करवाना है, वो कहता है कि मैं नॉर्मली चला लूंगा, तो ये तो मार्केट में अवेलेबल जो चलता है वो मैं दूंगा, हमेशा अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल होगा, वो आपको मिल जाएगा और रेगुलर बेस पे मिलेगा। ये तो नहीं होता ना सर कि अभी पहले मिल जाए फिर बाद में? नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये जो रॉ मटेरियल बनाने की है, ठीक है, तो इसके लिए, इसको कटिंग करने के लिए डाई कटिंग मशीन होता है, जो कि हमारी खुद की प्लांट है। अच्छा, आपका खुद का प्लांट? हाँ जी। ठीक है, तो सर इसमें मशीन में ये डलता कहाँ है, कैसे काम करता है, कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं मशीन रन करके आपको दिखाऊंगा कि मशीन कैसे वर्क करता है, कितना प्रोडक्शन होता है, और भी मशीन के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पर ये ऐसे ये रॉ मटेरियल ये डल जाएगा, यहाँ से डलता है, यहाँ से आगे जाता है, यहाँ से जो है आगे जाएगा। यहाँ पर ये हीटर लगा है सीलिंग होने के लिए। ठीक, ये जो पेपर है हमारा, ये जो सीलिंग होता है कप बनने के लिए इस टाइप में, इस टाइप तो यहाँ से आपका सीलिंग होता है। ठीक है, और ये आपका बॉटम रोल यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर बॉटम आपका लग जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका रेडी प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका निकल जाता। अच्छा, है ये रेडी प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा? हाँ जी, यहाँ से आपका रेडी प्रोडक्ट पूरा निकल जाएगा। अब जो है इस मशीन का खासियत, कि इस मशीन की क्या खासियत है, ठीक है, इसमें जो है आपका रेडी प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसको जो है तो हम कैसे काउंट करें, कैसे पैकिंग करें, ये एक बड़ी बात है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे अब ये निकल रहा है, हमें क्या पता चलेगा भाई कितने पीस निकले हैं जी, कैसे हम पैक करेंगे, एक एक को गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो है ये काउंटिंग करने के लिए मीटर लगा हुआ है, काउंटिंग मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 50, 40, 80, 100 कुछ भी आप सेट कर दोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे 50 पे हम सेट किए, हमारा 50 पे सेट है। ठीक है, तो 50 जैसे यहाँ पे ग्लास काउंट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल मिलेगा, आप निकाल लीजिए और पैक कर लीजिए डायरेक्ट। अच्छा,
तो मतलब उसमें हमें एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है, हाँ जी, तो हम उसे निकाल सकते हैं और आराम से पैक कर सकते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो आपको इस मशीन में मिलने वाला है। इससे आपकी बहुत जो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सर जो इस मशीन की बात करें, जो आप बता रहे हो इसमें अलग अलग साइज की पैकिंग हम कर सकते हैं, मतलब ग्लास तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी में हो जाता है या इसका कुछ सिस्टम चेंज करना? नहीं, इसमें जो है सबसे पहले तो मैं बता दूं पेपर कप के बारे में, ठीक है, कि आप जो है कोई भी मशीन, मतलब कि सबसे छोटा जो कप होता है 40 ml का होता है जो इंडिया में चलता है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा साइज का होता है जिसमें लोग लस्सी पीते हैं, ठीक है, जूस पीते हैं, जो 250 ml और 300 ml के होते हैं, ठीक है, है, तो उसके लिए जो है अभी मान लीजिए इसमें मेरा 60 ml का ये डाई लगा हुआ है, ठीक है, अभी मेरा कप जो है 60 ml का बन के रेडी हो रहा है, ठीक है, तो अब इसमें अगर हम 250 ml या 300 ml बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको जो है डाई के साथ मोल्ड भी चेंज करना है। अच्छा, डाई के साथ मोल्ड भी चेंज? जी बिल्कुल, डाई मोल्ड चेंज करेंगे 300, 250, 150 कोई भी बन जाएगा। अब भी मान लीजिए कि हम इसमें 60 ml का डाई चला रहे हैं, ठीक है, इसी मशीन में अगर हमको 80 ml का बनाना है तो फिर हमको मोल्ड नहीं चेंज करना है, सिर्फ डाई चेंज करना है, और ये डाई कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है, एक नट ये लूज करेंगे ये खुल जाएगा, मतलब इजीली चेंज कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है खोल के, बिल्कुल, ठीक है। मतलब इसके लिए अब आप बोल रहे कोई भी चेंज कर सकता है, तो इसको चलाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए या नॉर्मल कोई भी? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मशीन हम लोग जिस भी कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं या जहां पर भी हम लोग लगवाते हैं, ठीक है, तो मशीन के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री देते हैं। अच्छा, मशीन के साथ ट्रेनिंग फ्री होती? हाँ, मशीन के साथ जो है ट्रेनिंग मैं देता हूँ उनको, ठीक है, कि आपको मशीन कैसे किस हिसाब से चलाना है, कैसे आप मतलब कितना 24 घंटे के अंदर कितना आप मशीन चला सकते हैं, पूरा नॉलेज दिया जाता है एक एक पार्ट का मशीन के साथ, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी बंदा वो मशीन को चला सकता है क्योंकि उनको मैं ट्रेनिंग देता हूं। ठीक है, अब बात करें इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? सर इस मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मिनट में 80 पीस की है। अच्छा, मिनट में 80 पीस निकाल देता जी, है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें स्पीड कंट्रोलर होगा जिस हिसाब की हम स्पीड सेट करेंगे उस? हाँ सर बिल्कुल, इसमें जो है कंट्रोलर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, फुल्ली सेंसर के ऊपर मशीन है, आप जो है 80 पीस निकाल सकते हैं इसमें। दूसरी भी मशीन हमारे पास तो उसमें जो है आप 60 निकाल सकते हैं, वो 60 मॉडल का है। अच्छा। और भी मशीन हमारे पास 100 स्पीड का मशीन है, 120 स्पीड का मशीन है, यानी कि एक मिनट में आपको 100 पीस मिलने वाला है, 120 पीस मिलने वाला है। अच्छा, एक मिनट में 100 पीस 120 पीस तक निकल जाएंगे? जी बिल्कुल। दोस्तों आप इसकी स्पीड सोच सकते हैं, एक मिनट में जब 120 पीस निकलेंगे तो क्या स्पीड होगी मशीन की? एक सेकंड में 2 कप बन के रेडी हो रहा है। एक सेकंड में 2 कप, सोच के देखिए कितनी फास्ट मशीन है ये, कितने आपकी प्रोडक्शन निकाल सकती है। और आपको तभी तो कहते हैं कि आप इससे 5000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो अगर इसकी पूरी प्रोडक्शन से माल निकालते हो तो। आप सोचो कि यार 5000 बोल रहे हैं और मैं 1 घंटा मशीन चलाऊं और 5000 रुपए कमा लूं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप इसकी पूरी प्रोडक्शन निकालोगे, उसको सेल करोगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। सर जो ये आप मशीन है, इस मशीन को जो आप बता रहे हो कि घर में कोई भी ऑपरेट कर सकता है? जी जी बिल्कुल। तो फिर इसको ये सिंगल फेस में होती है या 3 फेस में होती है? बेसिकली ये मशीन जो है, तो मशीन हमारा 3 फेज पे आता है, 440 करंट इसको चाहिए, 4 kW, ठीक है, ठीक है। अगर किन्हीं के यहाँ पर जो है तो वो 3 फेज का करंट नहीं है, वो सिंगल फेज में चलाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि मशीन को कन्वर्ट करके देते हैं कि सिंगल फेज को 3 फेज को सिंगल फेज में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब बात कहने की ये है, अगर आपके पास सिंगल फेज की सुविधा है, आपके पास 3 फेज की सुविधा नहीं है, तो भी आप मशीन को ले सकते हो, आपको कन्वर्ट करके दे दी जाएगी। मतलब आप चाहे सिंगल में चलाओ चाहे 3 फेज में चलाओ, जैसे भी चलाना चाहो बड़े आराम से चला सकते हो। तो सर जैसे मशीन है, अब घर में किसी ने लगा ली जी, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अब आप ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जी, बिल्कुल, मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है जी, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो ये जो मशीन है इसमें बेसिकली खराब होने वाला चीज वैसा कुछ नहीं है, मोटर है, ठीक है, हीटर है, ठीक है, तो ये सब चीज जो है अगर कुछ खराब होता है तो वो आप खुद से चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना इजी कि ये हीटर निकलेगा और चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो है मशीन के ऊपर हमारी कंपनी 2 ईयर का जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है वारंटी, और 1 ईयर का आपको सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई अगर इस मशीन को परचेज करता है तो उसे 3 साल के लिए सब कुछ फ्री मिल रहा है, मतलब 2 साल की वारंटी 1 साल की सर्विस,
तो आपकी जो प्रॉब्लम, आप 3 साल तक मशीन लगाकर भूल जाओ कि आपको कुछ करना भी है। वैसे भी इन मशीनों में कोई दिक्कत नहीं आती, ये बहुत जबरदस्त मशीन है, आपको सिर्फ इसका बटन दबाना है, मशीन चालू है, आपको इसे रिफिल करते रहना है। जब आप इसे रिफिल करते रहोगे तो आपकी प्रोडक्शन निकलती रहेगी। एक बार में ये जो बॉटम है ये आपने लगा दिया, उसके बाद सर ये बॉटम कितने किलो का होता है? बॉटम जो है ये किलो डिपेंड करता है, 15 किलो 20 किलो, ठीक है, ये जो होता है तो आपका 15 किलो का होता है, 20 किलो का है, डिपेंड करता है कि क्या साइज का आप बॉटम लगा रहे हैं। ठीक है, वो आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने एक बार मशीन चालू करी, आपके बॉटम खत्म होने को है, जो जो बंदा जाएगा वो आपको डाई चेंज करना सिखाएगा, वो आपको अगर हीटर में कोई प्रॉब्लम है वो सिखाएगा, आपको बॉटम सेट करना सिखाएगा, मतलब प्रॉपर मशीन को कैसे चलाना है, कोई छोटी मोटी दिक्कत भी आती है उसको कैसे सोल्व करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मैं इसको चला नहीं पाऊंगा, ये नहीं होगा। सर पता है क्या होता है, शुरुआत में बंदा ना होपलेस हो जाता है, अगर जैसे नई मशीन ली कुछ वैसे भी थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत हुई ना तो वो लगेगा यार मशीन में दिक्कत है। दोस्तों अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी घबराने का कोई जरूरत नहीं है, छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम होता है तो वीडियो कॉल पे उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो वहां पर मेरा बंदा, अगर लोकल है डिस्टेंस के हिसाब से, अगर लोकल कोई रांची में मशीन लगा रहा है या कहीं बिहार में लगा रहा है, 24 घंटे के अंदर मैं उसको टेक्नीशियन प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी ब्रांचेज ये रांची में या कहीं और भी है? मेरी ब्रांचेज जो है कंपनी हमारी दिल्ली में है, रांची में, कोलकाता में। ठीक है, तो मतलब अगर आपके आसपास में जहां भी, अगर आप दिल्ली के पास में होगे या कोलकाता के पास में होगे या रांची के पास, जहां भी आपका आसपास में एरिया होगा वहां पर आपकी जो भी मशीन की प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी, आपको उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मतलब जो भी, अगर आप आसपास के एरिया में हो तो 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। सर आपको पता ही है कि जो लोग हैं वो बहुत किराए के मकानों में रहते हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कोई थर्ड पे रहता है, कोई सेकंड पे रहता है, तो ये एक बड़ी मशीन लग रही है, भारी मशीन लग रही है, इसको कोई अगर लगाना चाहता है अपने घर पे तो ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे काम करेगी? बिल्कुल, ये जो मशीन है तो एक तो दिखने में इतना हैवी है, मशीन का वेट जो होता है ना 2 टन का वेट होता है मशीन का, ठीक है, 2 टन का, और आप जो है अगर इस मशीन को फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फाइव फ्लोर कहीं पर भी आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस मशीन को आप लगा सकते हैं, थोड़ा भी वाइब्रेट मशीन नहीं होता है। अच्छा, वाइब्रेट बिल्कुल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, इसमें चिंता का कोई बात नहीं, मतलब ये जब चलती है स्मूथली चलती है, दूसरे को पता भी नहीं चलता कि भाई मशीन चल रही है। जी बिल्कुल, साउंडलेस मशीन है ये, ठीक है फुल्ली सेंसर के ऊपर मशीन बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि मशीन में जो है 3-3 सेंसर लगा हुआ है, एक नहीं 3-3 सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो है तो यहाँ से अगर आपका पेपर आ रहा है, थोड़ा भी पेपर मिस हो जाएगा तो ये सेंसर उसको रीड करता है और वो बंद हो जाता है। दूसरा सेंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तीसरा सेंसर यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मशीन में 3 सेंसर लगा हुआ है, और ये मशीन जो है कहीं पे भी आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है मशीन में तो मशीन ऑटोमेटिकली जो है आपका बंद हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये मशीन में जो इसलिए खास है कि इसका जो ये बॉटम है ना, ये जो बॉटम आप देख पा रहे हैं तो ये डायरेक्ट बॉटम की मशीन है, और ऑटो लुब्रिकेंट के बारे में तो मैं बता ही दिया, मशीन खोल के आपको दिखा दिया। तीसरा बात कि ये मशीन जो है अभी बिल्कुल गरारी के ऊपर चल रहा है, चैन सिस्टम पे, ठीक है, पहले जो मशीन आती थी गियर बॉक्स के ऊपर आती थी, जो कि आप स्पीड अगर कम ज्यादा करते हैं तो गियर बॉक्स टूटने का जो है वहां पे खतरा रहता था, अभी जो है ये मशीन डायरेक्ट गरारी के ऊपर आ गया, गियर बॉक्स नहीं है, बिल्कुल आप फुल स्पीड में मशीन रन करो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है किसी भी तरीके की, मतलब चाहे हमें कहीं भी यूज करनी हो, फुल स्पीड में चलानी हो, स्लो में चलानी हो, जैसे भी चलानी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाली है, ओपन कैम टेक्नोलॉजी की ये हाई स्पीड मशीन है। ठीक है, तो सर एक बार इस मशीन का डेमो दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस मशीन को अभी रन करके आपको दिखाऊंगा कि मशीन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ग्लास निकल रहा है, कप निकल रहा है, मशीन चला के दिखाऊंगा।
सर अगर किसी को ये मशीन लगानी है जी तो वो कितने में लगा सकता है? ये देखिए, ये जो है, ये मशीन जो है हमारे पास 50 स्पीड का मशीन है, 80 स्पीड का मशीन है, 100 स्पीड का मशीन है, 120 स्पीड मशीन है, ठीक है। तो कोई भी मशीन अगर मान लीजिए आप लगाते हैं अपने बजट के हिसाब से, हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है वो आपको 6 लाख से स्टार्ट हो जाता है। 6 लाख से स्टार्ट हो जाता है? जी बिल्कुल, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक मशीन फ्री बताई थी जी, वो कौन सी मशीन है सर? मैंने जो इस मशीन के साथ जो मशीन फ्री दे रहा हूँ पेपर प्लेट की मशीन है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है सर, ये मशीन है पेपर प्लेट की। अच्छा, मशीन है सिंगल डाई की, ठीक है, जो कि पेपर कप मशीन के साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अच्छा, उसके साथ बिल्कुल फ्री है जी। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं सर? इसको मैं भी चला के आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस मशीन का फीचर्स के बारे में। 1 HP का एक मोटर होता है, ये सिंगल फेज पे चलती है, इसके लिए 440 का कोई जरूरत नहीं है। 1 HP का एक मोटर है, ठीक है। ये ऊपर नीचे दो हीटर इसमें लगा हुआ है मशीन में। सबसे पहले तो हमको हीटर यहाँ से ऑन करना है, हीटर का स्विच दिया हुआ है, ठीक है। ये ब्लोवर एक लगा हुआ है, उसका काम है कि जब ये आपका जो है तो बॉल, ये थाली प्लेट कुछ भी अगर कटिंग होता है वहाँ डाई से तो ऑटोमेटिकली आपका कट के निकल जाता है, निकाल देता है उसको जी, ठीक है। तो ये आपका निकल जाता है, पीछे आप देख पा रहे हैं एक रोल लगा हुआ है, बस यहाँ से ये मशीन को हम ऑन कर लिया, ऑफ कर दिए। तो इस मशीन को चलाने के लिए वैसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लेडी जेंट्स कोई भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। मतलब दोस्तों ये मशीन आपको उसके साथ फ्री मिलने वाली है। अब आप देखिए, आपने पेपर कप का बिजनेस शुरू किया, साथ में आप इस तरीके का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। इसमें ये नहीं, ये कटोरी बनेगी, इसमें प्लेट बना सकते हो, छोटी बड़ी कटोरी बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके के बिजनेस करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है दोनों जो मार्केट में इस टाइम पे बहुत डिमांड में है। जहां भी जिस भी एरिया में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वहां पर आपको ये प्रोडक्ट हमेशा मिलेंगे। आपकी एक अलग मार्केट होगी इन प्रोडक्टों की। आप गांव में भी रहते हो वहां भी इसकी मार्केट होगी। तो दोस्तों ये आपका बिजनेस बहुत सुपर बिजनेस होने वाला है, जिससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये मशीनें परचेज करनी है, ये जो ऑफर है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आपको मशीनें परचेज करनी है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ विजिट करना है तो वो यहाँ जो एड्रेस दिया गया है उस पर विजिट भी कर सकता है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।